हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम लोग GDT ऑर्डर के बारे में देखेंगे। सपोज करिए कि आपको कोई शेयर खरीदना है, सपोज करिए कि आपको SCLTech खरीदना है और ये चल रहा है 1055 पे चल रहा है, और आपको इसको परचेज करना है 1000 पे, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको परचेज करना है 1000 पे, तो आप इसको बाई करते हैं और बाइक में लिमिट ऑर्डर डालते हैं कि 1000 पे मुझे बाई करना है, तो मैं लिमिट ऑर्डर डाल दिया 1000 पे और उसको बाई में डाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट हमारा ऑर्डर तो चला गया यहाँ पर, और ये दिन भर के लिए एक्टिव रहता है, फिलहाल ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि मार्केट अपने क्लोज है, तो बैलेंस भी नहीं है, इसका क्लोज हो गया, ठीक है, तो दिन भर के लिए एक्टिव रहता है और शाम में ये रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन किसी बंदे के कर्म ने कि मैं SCLTech को जब भी 1000 पे आया मैं बाई कर लूँ, आज के दिन बाई करूँ, 10 दिन बाद बाई करूँ, या कभी भी, मतलब हमेशा एक्टिव रहे, तो ब्रोकर ने एक GDT ऑर्डर का फीचर प्रोवाइड किया है। GDT मीन्स होता है गुड टिल ट्रिगर, मतलब जब तक ये ट्रिगर ना हो ये आपका गुड ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर आपका एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। तो ब्रोकर्स ने GDT का ऑप्शन प्रोवाइड किया। जैसे सपोज करिए कि मैं SCLTech, जैसे मेरा भी खुद का रिक्वायरमेंट कि मैं SCLTech को 1000 पे बाई करूँ, तो मैं क्रिएट GDT करूँगा, और मेरा कंडीशंस क्या है कि मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल LTP में लेके चलता हूँ कि जिस दिन LTP इसका 1000 के नीचे पे हो इसको बाई कर ले, तो हमने इस यहाँ पर लिख दिया कि एक गुड प्राइस या कुलेक्शन प्राइस कुछ भी लिख दिया, और हमारा क्या है मार्केट पे बाई हो जाए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्रिएट GTT करता हूँ, एक GTT ऑर्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। ये GTT ऑर्डर किस दिन एक्सिक्यूट होगा? जिस दिन SCLTech का प्राइस 1000 के नीचे चला जाए, जो क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाला है, LTP लेस देन 1000, आज जाए, 1 महीने बाद जाए, 1 साल बाद जाए, कभी भी जाए, अगर ये ऑर्डर्स वहाँ पे है उस दिन है तो वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। सिमिलर वे में जैसे हमने बाइक का डाला है, आप सेल का भी डाल सकते हैं। जैसे हमने सपोज के रिलायंस मेरे पास है और मैं सेल करना चाहता हूँ, जैसे ही ये 3000 रुपये चला जाए मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। कंडीशंस में क्रिएट करते हैं, क्रिएट GTT, LTP इज ग्रेटर देन 3000। जैसे हमने भी LTP के एग्जाम्पल लिख चला, यहाँ पे बहुत सारे इसमें फिल्टर आप लगा सकते हो कि LTP इज लेस देन परसेंटेज चेंज क्या है, ATP क्या है, OI क्या है, तो आपको जैसा आपका रिक्वायरमेंट है जो वैसा हम मुझे क्या करना है, सेल करना है। मैं सेल पे डाल दिया, मेरे पास सपोज करो 2 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ और मैं मार्केट रोड पर सेल करना चाहता हूँ, तो मैं मार्केट पर डाल के GDT क्रिएट करूंगा। तो इस तरह से हमारे GDT ऑर्डर से क्या होता है कि एक आपको जो रूल है कि मार्केट गिरे तो बाई कर लेना है, ऊपर जाए तो सेल करना है, तो आपका जो फिक्स रूल है वो रूल पे आपका रहेगा। आपको सिस्टम ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि आपका मार्केट में क्या चल रहा है, बाइंग रेंज में आया या सेलिंग रेंज में आया, तो एक बार आपको मेहनत करके छोड़ देना है, और उसके बाद सिस्टम खुद से ही आपका, आपने लॉग इन किया उस दिन कि नहीं, कि आपका पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो उस दिन आपको परचेज हो जाएगा, आपके अकाउंट में रिलायंस रहेगा तो उस दिन सेल हो जाएगा वगैरह। तो ये GTT ऑर्डर एक अच्छा फीचर है। तो इस तरह से आप सुनने में आप मल्टीपल GTT लगा सकते हैं, मतलब 100, 1000, 10000, जितने भी आप GTT, मैंने 10000 तक आगे चेक किया है, 10000 तक लगते हैं। तो आप जितने भी सिंबल्स या मल्टीपल्स प्राइस पे, जैसे SCLTech मुझे 1000 पे परचेज करना है, फिर आगे 950 पे 2 परचेज करना है, और 900 पे 4 परचेज करना, मतलब मुझे मार्टिंगल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के 4 GTT, 10 GTT, 20 GTT अलग अलग प्राइस पे लगा सकते हैं कि भाई तुम नीचे आओ मैं परचेज करता जाऊंगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे GTT लगा सकते हैं। अभी आते हैं मेन हमारा टूल पे। तो अभी जब आप मैनुअल लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप कितने बार, सपोज करिए कि आप मुझे 4 रूल लगाने हैं, 4 रूल, तो मुझे 4 बार मुझे क्रिएट GTT करना पड़ेगा, मुझे हर बार इसका कंडीशंस लिखने पड़ेंगे कि LTP पे लगाना है, लेस देन है वगैरह। और तो अगर आप सपोज को कोई बंदा Nifty 50 में ही काम कर रहा है, तो और उसको Nifty 50 में कितने हो जाए, मुझे हर एक 4 रूल लगाने हैं, तो 200 सिंबल्स हो, तो 200 पे उसको ऐड करने में ही आपको डेली का ये टास्क, या मतलब वन डे भी अगर आप कर रहे हो कि वीक में एक बार भी प्राइस को अपडेट कर रहे हैं, सपोज करो कि आप 1000 पे कर रहे हैं और मार्केट अगर 1200 चलेगा, तो फिर से आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा या कैंसिल करके नया करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको मैनुअली करने पर काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, तो इसी को हमने ऑटोमेट किया है। तो मैं अभी आपको टूल दिखाता हूँ। तो ये टूल जब भी आप डाउनलोड करिएगा यहाँ से, चलिए मैं टूल ओपन करते हैं, हमारा सेम URL पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, tinyurl.com/pythontrader। यहाँ पे जाइएगा, जाने के बाद आपको GTT टूल में जाना है। GTT टूल के अंदर ये फिनवेसिया के लिए था, वो फिनवेसिया GTT में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 फाइल मिलेंगे, .py, .pye और ये तीन तीन सीट, ये तीनों सीट को आपको डाउनलोड करना है। मैंने इस तीनों सीट को यहाँ पे डाउनलोड करके इस फोल्डर में रखा हुआ है वगैरह। ये आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जाकर आपको CMD टाइप करना है, तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा वगैरह। अब देखिए ये जो हमारा टूल है, टूल को ओपन करते हैं, इसी एक्सेल शीट में हम सब कुछ इनपुट फिल करने वाले हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल डालना है, जैसे हमने अपना क्रेडेंशियल डाल के रखा हुआ है, पासवर्ड डाल के रखा हुआ है, मुझे न्यू सेशन करना है, ओल्ड सेशन करना है, तो आइडियली मुझे न्यू सेशन ही करना है, तो हम न्यू सेशन करेंगे या PUTP वेंडर कोड ये सब हमने डाल दिया, और यहाँ पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को हमने सेलेक्ट कर लिया वगैरह, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर लिया, बेसिक सेटिंग क्रेडेंशियल सेटिंग कर लिया। अब मुझे जो भी GDT प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं, एक है कुछ कैंसिल करना है या पेंडिंग GDT यहाँ पे दिखेगा, और GDT जो आपको प्लेस करना है, सपोज करिए मुझे जो भी GDT प्लेस करना है तो मुझे यहाँ पे हर एक रो में डाल देंगे। सपोज करिए मुझे जैसे कंडीशंस लिख के रखा है कि ए चलिए क्यू को अगर LTP लेस देन 10 हो तो रिमार्क्स में बाई कर लो, और कैसे बाई करो, मार्केट करो, लिमिट करो, मतलब यहाँ पे जो अलर्ट्स हमको वहाँ पे दिख रहे थे, अलर्ट्स जैसे कि यहाँ पे हमारे चलते हैं वापस फिर से HCL में एक अलर्ट बनाते हैं, अलर्ट मतलब इसमें क्या क्या कंडीशन है, LTP है या परसेंटेज चेंज, ATP, OY वगैरह जो भी है, आपको यहाँ भी सारा कुछ ऑप्शन मिलेगा, LTP, परसेंट चेंज, ATP, OY वगैरह सारा कुछ। सिमिलर वे में कंडीशंस लेस देन ग्रेटर देन, और आपका बाई करना या सेल करना, यहाँ आपको ड्रॉपडाउन में दो ऑप्शन मिलेंगे, और ऑर्डर टाइप जैसे यहाँ भी आपको चार ऑर्डर टाइप मिलते हैं, मार्केट, लिमिट, SL और SLM, तो इस टूल में भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं आपको मार्केट पे करना है या लिमिट करना है। अगर आप लिमिट कर रहे हैं तो आपको लिमिट प्राइस देना पड़ेगा, मतलब जब भी आपको लिमिट है तो लिमिट प्राइस आप में होना चाहिए, और SL ऑर्डर है तो वो ट्रिगर प्राइस भी चाहिए। जैसे हम अभी सपोज कर SL सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी जैसे यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस तो नहीं दिख रहा, जैसे आप SL सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका ट्रिगर प्राइस भी आ जाएगा, चाहे SLM करिएगा तो ट्रिगर प्राइस भी मैंडेटरी हो जाता है। तो इस टूल में अगर आप SL या SLM सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रिगर प्राइस भी देना पड़ेगा, अगर आप लिमिट कर रहे हैं तो आपको लिमिट प्राइस भी देना पड़ेगा। जैसे हमने मार्केट सेलेक्ट किया तो इसमें कुछ भी मुझे देने की जरूरत नहीं, ना ही लिमिट की जरूरत है ना ही मुझे ट्रिगर की जरूरत है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या था, MIS है या CNC है, तो आप यहाँ पे MIS या CNC को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये आपको पोजिशनल ट्रेड लेके जाना है उस दिन, मतलब सपोज कर मुझे 1000 पे बाई करें और वो सिर्फ उसी दिन में सेल भी हो जाए या पोजिशनल जाए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो कि MIS है पोजिशनल है। तो इस तरह से आपको जितने भी 1000, 2000, 10000, 20 लाख जितने भी है, आपको वन बाय वन नीचे रो में डाल दीजिए, सबका कंडीशन से आपने डाल दिया। जैसे अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ टूल को, तो अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे GDT में कितने GDT हैं, 2 GDT यहाँ पे हैं। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग रूल को टूल को रन करते हैं, तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट से रन किया, ओपन किया, ये हमारे फोल्डर्स थे, ये हमारा पाइथन फाइल है। तो पाइथन रन करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, या तो पाइथन लिखिए और या PY स्पेस फाइल नेम हमें देना होगा, तो हमने फाइल नेम दे दिया ये पाइथन GDT V00.py। तो ये हमारा कमांड है पाइथन को रन करने के लिए वगैरह ना, उम्मीद करते हैं कि आप ऑलरेडी पाइथन आपके PC में इंस्टॉल होगा, नहीं होगा तो हमारा पाइथन इंस्टॉलेशन वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये कमांड दिया पाइथन फिनवेसिया वगैरह और अपने को इंटर मारा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, सबसे पहले ब्रोकर के साथ लॉगिन होगा, ये देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है, टोकन बन चुका है, लॉगिन सक्सेसफुल लिखकर आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन है तो बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन पे, GDT प्लेस करना है, पेंडिंग जो भी पेंडिंग है वो आपको लिस्ट चाहिए, या कैंसिल करना है, या कैंसिल सारे GDT, जैसे सपोज कि मेरे पास 4 GDT है और मुझे सिर्फ GDT नंबर 2 को ही कैंसिल करना है, तो सिलेक्टेड GDT कैंसिल करने के लिए आपको 3 लिखना पड़ेगा, और आपको सारे कैंसिल करने के लिए 4 लिखना है, या टूल से एग्जिट होना है तो आपको X लिखना है। जैसे मैं सपोज कर मैं टूल से एग्जिट होना चाहता हूँ तो मैंने X प्रेस किया तो आपका एल्गो क्लोज हो गया, ठीक है। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ सेम कमांड पाइथन, इस बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी जैसे यहाँ पे 2 GDT और जो पेंडिंग थे वो यहाँ पे आने चाहिए, हमारे जो पेंडिंग GDT में जो लिस्ट में भी कुछ भी डाटा नहीं है, मैं जब दो प्लेस सेलेक्ट करूँगा, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ, गेट पेंडिंग GDT, यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए GDT प्लेसमेंट, सेकंड के लिए गेट पेंडिंग GDT, थर्ड के लिए कैंसिल सेलेक्टेड GDT, फोर है कैंसिल ऑल पेंडिंग GDT। तो हमने 2 सेलेक्ट किया तो हमारा ये 2 देखिए, ये हमने जो वहाँ से मैनुअली अपने को जो बनाया था वो अपने को डिटेल्स यहाँ भी आ चुका है, 2 डिटेल्स थे। अब सपोज करो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, मॉडिफाई का भी कैंसिल किया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास 1 GDT बचा है। मैं अब टूल्स में जाकर देखता हूँ, टूल्स में हम लोग चल कर फिर से चेक करते हैं, 2 डालते हैं फिर से, इस बार देखिए 1 ही GDT आया है, मतलब एक अगर वहाँ से हमने जो भी डिलीट कर दिया तो हमें भी यहाँ पे लेटेस्ट डाटा मिल चुका है। इसको रिफ्रेश, ओके ठीक है। तो हमने ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर्स के अंदर आपका GDT रहता है, तो हमने देख लिया कि GDT का लिस्ट हमको लाना है, अगर हमारे सिस्टम में कितने GDT प्लेस है, तो ये हमने 2 सेलेक्ट करके लिया ले लिया। अब सपोज कर मुझे प्लेसमेंट करना है, तो प्लेसमेंट के लिए क्या हमने डालना है, 1
तो और वो कौन सा डाटा प्लेस करेगा, हमने जो भी इस सीट में लिख के रखा है, एक दो जितने भी हमने, जैसे हमने 4 सिंबल अभी लिख के रखे हुए हैं अलग अलग एक्सचेंज के लिए, एनएससी के लिए, एमसीएस के लिए, करेंसी के लिए और एफएनओ के लिए, हमने अलग अलग सिंबल और अलग अलग कंडीशन डाल के रखी। इसमें हमने एलटीपी लिखा, किसी में परसेंटेज चेंज लिखता, किसी में टोटल ओवाई डाल दिया, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ ये सारे अलग अलग कंडीशन के टूल प्रॉपर वर्क करें। किसी में एमआईएस लिखा तो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल दिए हैं वगैरह। तो अभी मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, प्लेसमेंट के लिए 1 डालना है, तो हमने 1 डाला फिर से। अभी देखिए ऑर्डर हमारे चारों प्लेस हो चुके हैं, चारों जीडीटी जा चुके हैं। आप जब यहाँ पे जाके देखिएगा तो आपको चारों जीडीटी, मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से देखिए पहले से एक था, 4 और 5 हो गए। अब अगर टूल में भी हम जाके देखते हैं, टूल में भी जाके देखेंगे तो टूल में अपडेट करने के लिए कहाँ पे आप पेंडिंग जीडीटी में हम तो गए, तो जो अभी लेटेस्ट आपका गया है, आपका 4 ऑर्डर हमने डाला था, तो चारों में यहाँ पे आपको स्टेटस दिख गया कि ये ऑर्डर क्रिएटेड हो गया। अगर सपोज करिए किसी का, अगर मान ली हमने जानबूझकर सिंबल गलत डाल देते हैं, चलो सिंबल हमने डाल दिया 33 कर दिया इसको, फिर से हम लोग रन करते हैं, तो अभी 4 5 पहले से ऑलरेडी थे और फिर से मैं 4 और ट्राई कर रहा हूँ, तो एक फिर से मैं प्लेसमेंट किया, तो देखो जो लास्ट सिंबल है वो हमारा बता दिया इनवैलिड ट्रेडिंग सिंबल। आप तो यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, सपोज करो आपने 1000 प्लेस करना है तो आपके कौन कौन से प्लेस सक्सेसफुल हो गए या कौन कौन से रिजेक्ट हो गए, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट, अब सपोज करो मेरे पहले से 5 थे, फिर से 5 और हो गए, मैं लेटेस्ट डाटा लेने क्या करना है, 2 करना है, 2, तो मैं 2 आया तो ये हमारे जो लेटेस्ट एक्टिव हैं, जो पेंडिंग है जीडीटी, वो आ गए। अब सपोज करो ये सारे के सारे कैंसिल करने हैं, नहीं सारे के सारे तो हम लास्ट में कर देंगे कैंसिल। अब सपोज कर मुझे सिर्फ इसमें ये दोनों जीटी ऑर्डर मुझे कैंसिल करना, मैं क्या करूँगा इस दोनों का ऑर्डर आईडी कॉपी कर लूँगा, जितने भी करना है मैं ऑर्डर आईडी कॉपी कर लिया और कैंसिल जीटी में जाऊँगा और ये अलर्ट आईडी को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, या नंबर भी दे दिया नंबर 1 2 3 कि मुझे 3 को कैंसिल करना है, और ये तीनों का अलर्ट आईडी ये है, मतलब 34 वाला एक अलर्ट आईडी है, 35 है एंड 36 है, मैं ये तीनों को ही कैंसिल करना चाहता हूँ। मेरे पास टोटल कितना है, 8 है, और 8 से मैं 3 को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो पार्टिकुलर कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंसिल सिलेक्टेड जीटीटी, मतलब मुझे इस बार थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने थर्ड सिलेक्ट किया, ये देखिए 8 से 3 हमारे डिलीट हो गए, हमारे जो बच गए 5, वो 5 यहाँ पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे कैंसिल हो जाए, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ कि हमारे 8 से 5 हुए कि नहीं हुए, खैर 5 से तो पहले हो गए हैं, तो मैं सपोज करो 2 और सिलेक्ट इस बार डिलीट कर लेता हूँ। सपोज करो मुझे ये सीडीएस वाले को उड़ा देते हैं, सीडीएस का वो अलर्ट आईडी यहाँ कॉपी किया, कैंसिल जीटीटी में गए और ये हमने डाल दिया। चलो तो हमने इसको हमारे, चलिए मैंने स्टेटस, पुराने स्टेटस डिलीट कर दिया, तो हमने एक जीडीटी डाला और ये 2 नंबर पहले वाले ही छोड़ दिए जो हमने ऑलरेडी कैंसिल किया। आप देखते हैं टूल में क्या होता है। हाँ तो हम लोग जब रन करेंगे, फिर से डाला हमने 3, तो ये देखिए ये डिलीट हो गया, और जो हमको इनवैलिड था, मतलब ऑलरेडी हमने इसके लिए कर चुके हैं, इसको हटा चुके हैं, हमारा वैलिड नहीं है, तो इनवैलिड ओआई आ गया ये, बाकी ये जो अलर्ट्स है ये अलर्ट्स हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरह से अगर फिर से मैं करता हूँ तो इस बार तीनों के तीनों आ जाएगा, क्योंकि तीनों, अभी ये जो आईडी था ये भी अपने को इनएक्टिव हो चुका है, तो मैं फिर से सेलेक्टेड करता हूँ 3, तो तीनों के तीनों इनवैलिड आ गया। मतलब अगर आपने करेक्ट अलर्ट आईडी दिया है तो वो उस अलर्ट आईडी को हटा देगा। मैं चल कर पेंडिंग जीटी में देखता हूँ, वो ऑलरेडी हट चुका है। अब सपोज करो कि मुझे सारे के सारे हटाने हैं, तो सेलेक्ट सारे के सारे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी देख लो, अभी आपके पास 4 यहाँ पर दिख रहे होंगे, फिर रिप्लेस करता हूँ तो 4 आ गए। मुझे सारे के सारे रिप्लेस करने के, कैंसिल के करने 4 प्रेस करना है। मैं 4 प्रेस करूँगा तो वो सारे के सारे अभी आपके अलर्ट्स डिलीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आके देखते हैं, हम लोग सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप, मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप इस टूल के हेल्प से जीटीटी को प्लेस कर सकते हैं, जीटीटी को कैंसिल कर सकते हैं, या पार्टिकुलर कैंसिल करना है, सारे करना है। अब जैसे सपोज करके मैं चाहता हूँ कि 100 जीटीटी प्लेस करूँ, चलो तो एक हम लोग एक इस टूल का सबसे जो मेन जिसके लिए टूल बनाया है वो मैं आपको केस दिखाता हूँ। सपोज करो मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके चले जाता हूँ, सपोज करो मुझे 300 500 जितने भी हैं, चलो मैंने इतने तक इसको ड्रैग कर लिया। अब मैं इस टूल को बोलता हूँ कि भाई बाइक प्लेसमेंट करो, तो मैंने क्या करना है प्लेसमेंट के लिए, क्या है आपका फिलहाल पेंडिंग का लिस्ट देख लूँ, पेंडिंग में क्या आया, नो एक्टिव, कोई जीडीटी नहीं था क्योंकि मैं सारे कैंसिल कर दिए थे। अब प्लेसमेंट के लिए मैं डालता हूँ, तो ये देखिए अब धनाधन धनाधन ने अपने को डालना चालू कर दिया वगैरह।
टिल 300 तक वो जाएगा और वो प्लेसमेंट करेगा। तो अभी हम मैनुअली तो ये पॉसिबल नहीं था 300 को आप GDT प्लेस करना। अब ये टूल आपने बैकएंड में सारा आप GDT प्लेस करना चालू कर, जब जहाँ भी आप देखोगे रिप्लेस करके, तो अभी तक कितने हमारे प्लेस हो चुके हैं, अब तक 123 हो चुके हैं ये सारे कंडीशंस। फिलहाल हमने जस्ट ड्रैग किया तो सब में सेम ही कंडीशन दिख रहा है। आप अपने मुताबिक से जो भी कंडीशंस है अलग अलग सिंबल्स के लिए ले सकते हैं। तो अभी कितना 168 हो चुका है, तो मैंने इसको चेक किया था तो पर मिनट आप यहाँ पर मिनट 500 ऑर्डर ये ले रहा था, पर मिनट 500 ऑर्डर इसमें जा रहे थे हमारे। तो एक तो प्लेसमेंट इजी हो गया। अब जैसे सारे प्लेस हो गए, मुझे कैंसिल करना है तो वन बाय वन कैंसिल करने का यहाँ भी ऑप्शन है। सिलेक्ट किया जाके इसमें कैंसिल किया यस, तो वन बाय वन कैंसिल करना है पॉसिबल नहीं है मैनुअली। आप कितने जगह कैंसिल करोगे, कितने प्लेस करोगे, तो इस टूल की हेल्प से आप सारे को प्लेसमेंट वगैरह, आप जिससे हमारा सारा कंप्लीट एक बार हो जाए तो देखते हैं। एक बार कंप्लीट हो जाए सारा, हमने 350 के आसपास दिया था इसमें, तो आप कितना भी दे सकते हैं, 1,000 2,000 जितने आपका है। ठीक है, चलिए अभी कितना तक पहुंचा है, 375 पहुंच चुका है, लगभग हो चुका है हमारा, ये सारे हमारे प्लेसमेंट हो चुका है। और एक जो ऑर्डर था जो इनवैलिड सिंबल, जो हमने सिंबल चेंज किया था वो रॉन्ग हो गया। जैसे हमने यहाँ पे चल के देखते हैं रिजेक्ट कौन सा हुआ है, रिजेक्ट एक हो, जो हमारे इनवैलिड हो गया ना वो अपने यहाँ पे दिख भी जाएगी, चलो ये हमारा अलर्ट्स नहीं हुआ। तो मान लीजिए आपने कुछ गलती किया है तो वहाँ पे आपको पार्टिकुलर ऑप्शन में दिख गया कि हमारा इनवैलिड GDT है। ओके ठीक है, तो यानी कि हमने ये जो सिंबल गलत दिया था तो इस कारण वो अपने को प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये जो हमने रॉन्ग वाला दे दिया था 20 33 का। अब सपोज करो कि डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, या तो मैं सारा का आईडी को कॉपी करूं और कैंसिल GDT में जाऊं, यहाँ रिप्लेस करूं और उसको सेलेक्टिव कर सकते हो, या उससे इजी है मैं कैंसिल ऑल GDT सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 4 सेलेक्ट कर लिया, वो अब डिलीट करना चालू कर दिया है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर रिप्लेस करके तो रिड्यूस होना चालू हो जाए, जैसे 375 है, 340 आ चुका है, फिर चलते हैं हम लोग 320 आ चुका है, तो यहाँ पे आप काउंट देख रहे हैं कि रिड्यूस होता आ रहा है। तो आप इस टूल के हेल्प से GDT को प्लेस कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के साथ, अलग अलग एक्सचेंज में, अब जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आप ये कंडीशंस अलर्ट क्या क्या डाल सकते हैं, LTP%, मतलब जो जो आपके वेबसाइट में फीचर दिया हुआ है सपोर्ट कर रहे हैं सुनिए, वो सारा इस टूल में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको रिमार्क्स दे सकते हैं, बाई सेल करना है, क्या क्वांटिटी रहेगा, कौन सा ऑर्डर टाइप रहेगा, आपको पोजिशनल रहेगा, MIS रहेगा, CNC रहेगा, क्या ट्रिगर प्राइस रहेगा वगैरह, ये सब कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंडिंग GDT का लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा, जो जो पेंडिंग GDT है आपको कैंसिल GDT कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल डालना है। तो होप ये टूल आपको समझ में आया होगा कि, और ये टूल उनके लिए बेनिफिट है जो लोग GDT में मतलब ऑर्डर प्लेस करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो डेली के एनालिसिस करके कल के लिए GDT ऑर्डर डालते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए GDT ऑर्डर, मल्टीपल GDT ऑर्डर डाल कर रखना चाहते हैं कि आज 10 पे बाई करें। जैसे सपोज करें कि मैं रिलायंस बाई करना चाहता हूँ 2200 पे, फिर 2100 पे, फिर 2000 पे, तो इस तरह से मैं कीप बाइंग करना चाहता हूँ, तो मैं एक सीट बना लूंगा यहाँ पे, उसका सिंबल दे दूंगा और प्राइस रिड्यूसिंग में डाल दूंगा, और एक बार सीट को अगर चल ही रहा है, हाँ ठीक है, और एक बार टूल को रन कर दूंगा तो सारा GDT हमारा चला जाएगा। क्योंकि GDT डालने में मुझे आपका फंड ब्लॉक नहीं होता है, अगर सपोज करो आपके पास फंड नहीं भी है तो आज के दिन पे तो एक रूल बना के आपने छोड़ दिया, जिस दिन सपोज करके 4 ऑर्डर आपने डाला है तो पहले दिन आपको 2,000 रुपये रिलायंस में लगेगा, दूसरा दिन भी 2,000 लगेगा, तो डे बाई डे कहीं जितना ऑर्डर यूज होगा उतना ही फंड आपको लगेगा। आप इस तरह से कितना भी डाल सकते हैं, 100 200 10,000 वगैरह, मैंने 5,000 तक 10,000 तक ट्राई करके देख लिया है, वो अनलिमिटेड लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सारे अभी नो एक्टिव GDT मतलब सारे कैंसिल कर दिया इसने, मैं फिर से 2 डालता हूँ गेट पेंडिंग GDT, तो कोई GDT एक्टिव पेंडिंग नहीं है, मतलब सारे कैंसिल, फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये है। तो होप आपको ये टूल कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो मिल जाएगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको लगेगा ये टूल, लेकिन आपको सिर्फ पाइथन, लेटेस्ट पाइथन पे रन करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट पाइथन आपने होना चाहिए तो आपका ये टूल रन कर पाएगा, और लिनक्स पे आपको नहीं चलेगा, विंडोज पे चलेगा, मैक पे चलेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पाइथन ट्रेडर नाम से, आप उसमें उस फॉरम में ज्वाइन करके आपका प्रॉब्लम जो भी है, पहले तो आपको जो भी मैंने स्टेप्स बताया आपको फॉलो करिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आके अपना प्रॉब्लम को, और इस बीच डिस्क्रिप्शन क्या आपको ट्राई किया, क्या आपको इरर आ रहा है, आप उसमें डालिए, हम लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। तो होप ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आपको एक अच्छा लगा होगा, थैंक यू।